इट। शेयरिंग पीडीएफ। या वी हैव गॉन विद आई थिंक कि कौन सा था, दैट वाज निकोलस निकल बाई को ही हम लोगों ने लिया था। द और क्यूरियोसिटी शॉप भी हुआ था। और यहाँ पे भी हम लोगों ने बात किया था बर्नेबी रुच रच को लेकर के, जो है जो इनका हिस्टोरिकल नावेल था, जो नेक्स्ट स्लाइड है। कल हमने इसको शेयर भी किया था वहां पे ग्रुप में। तो यू कैन जस्ट गो विद दिस थिंग कि उनका जो नेक्स्ट नावेल है उसका क्या नाम है, दैट इज मार्टिन चूजल विट, द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चूजल विट। तो ये एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जो नेक्स्ट नावेल वो क्या है, मार्टिन चूजल विट, और इसका टाइटल क्या है, द टाइटल इज द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चूजल विट, कंसिडर द लास्ट ऑफ हिज पिकरेस्क नॉवेल। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मार्टिन चूजल विट है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पिकरेस्क नॉवेल। एंड डू यू रिमेम्बर कि पिकरेस्क नॉवेल को हमने क्या बताया था? आई हैव गॉन विद यू कि जो पिकरेस्क नॉवेल था उसको लेके ये बात हुई थी कि पिकरेस्क नॉवेल अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, एंड द वर्ड इट द वर्ड पिकरेस्क केम फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो। यह जो है कहां से आया है, स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया हुआ है। तो रिमेम्बर दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट मार्टिन चूजल विट, तो मार्टिन चूजल विट इट केम इन 1843। इसको आप कह सकते हैं कि द लाइफ एंड एडवेंचर एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चूजल विट को लेकर के इसमें बात की गई है। एंड कंसिडर द लास्ट ऑफ हिज पिकरेस्क नॉवेल, इट वॉज ओरिजिनली सीरियलाइज्ड बिटवीन 1842 एंड 1844। व्हाइल ही वॉज राइटिंग इट, डिकेंस टोल्ड अ फ्रेंड दैट ही थॉट इट वॉज हिज बेस्ट वर्क, इट वॉज वन ऑफ हिज लीस्ट पॉपुलर नॉवेल। लेकिन एक और क्वेश्चन बन रहा, जब डिकेंस इसको लिख रहे थे तो उन्होंने सोचा था या उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा था कि यह उनका सबसे बेहतरीन नॉवेल होगा, लेकिन यह बेहतरीन नॉवेल में से ना होकर के बल्कि क्या था, बल्कि यह उनका जो है सबसे जो है सबसे कम पॉपुलर नॉवेल हुआ। तो आप देखेंगे कि अबाउट इफ द क्वेश्चन कम्स या इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि जो किस नॉवेल को लिखते समय चार्ल्स डिकेंस ने अपने दोस्त से कहा था कि यह उनका जो है सबसे बेहतरीन नॉवेल होगा, लेकिन वह लीस्ट पॉपुलर हुआ, तो उसमें से कौन है आपका, मार्टिन चूजल विट करके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू कि वेन यू गो विद दिस नॉवेल, तो इसके लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पिकरेस्क नॉवेल। और पिकरेस्क नॉवेल क्या होता है, पिकरेस्क नॉवेल जो होता है यह अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल है। जब आप टाइप ऑफ द नॉवेल में जाएंगे देन यू विल कम टू नो कि नॉवेल की जो शुरुआत, जब नॉवेल पहली बार मतलब आता है तो उसका जो अर्लीएस्ट रूप रहता है, जो फॉर्म रहता है, वह पिकरेस्क होता है। और वर्ड पिकरेस्क स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया। पिकारो एक ऐसे पर्सन को इंडिकेट करता है जो कि जिसका जीवन एक बंजारे जैसा होता है, जो एक अस्थाई जीवन नहीं व्यतीत करते, बल्कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, नॉट मूव बट वैंडर। वैंडर और मूव में फर्क होता है। समवन हैज नॉट म्यूटेड, सम इट्स माई हम इट्स इट्स विनोद जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू कि इट वॉज या आई वॉज टेलिंग यू कि द जो पिकारेस्क नावेल है, यह पिकारेस्क नावेल स्पेनिश वर्ड पिकारो से आता है। और इसका मतलब होता है कि एक ऐसे पर्सन को इंडिकेट करना जो पर्सन क्या करता है कि वेंडर करता है। वेंडर का मतलब होता है कि एमलेसली मूविंग, उद्देश्य विहीन होकर एक जगह से दूसरी जगह घूमना। तो ऐसे कैरेक्टर जो बंजारे जैसी जिंदगी व्यतीत करते, कुछ इस तरह के
कैरेक्टर्स और इस तरह की लाइफ स्टाइल को लेकर के नाविलिस्ट ने नाविल लिखा, और उस तरह के नाविल को क्या कहा गया, पिकरेस्क नाविल कहा गया। और पिकरेस्क नाविल में राइटर गेट्स अपॉर्चुनिटी टू टेल कल्चर, मैनर, एटीट्यूड, वे ऑफ लिविंग ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस वेयर द पार्टिकुलर पर्सन या हीरो मूव्स, बिकॉज ही मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, देर इज नो स्टेबिलिटी इन हिज लाइफ, ही डजेंट स्टे एट अ पार्टिकुलर प्लेस। तो राइटर को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वह तमाम जगह की सीन को दिखाता है या उसको करता है। तो ये ऐसे ही आप ये देखेंगे कि जो मार्टिन चूजल वीट है वह किसका एग्जाम्पल है, पिकरेस्क नावल का एग्जाम्पल है। पिकरेस्क नावल कैसा नावल होता, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल। और ये जो नावल पिकरेस्क है यह कहाँ से आया है, स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है। पिकारो किसको रिफर करता है, एक ऐसे पर्सन को या एक ऐसे कैरेक्टर को या एक ऐसा जो नावल का या एक ऐसा कैरेक्टर जो कि दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एमलेसली। उसके लिए वर्ड आप वैगाबॉन्ड भी यूज करते हैं, रास्कल भी यूज करते हैं, नेब भी यूज करते हैं, मतलब जो जिसकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ही मूव्स। और राइटर को इसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि वह डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट मैनर, तमाम चीजों को लेके बात करता है। ये जो पिकरेस्क नावल इनका है, इस नावल के बारे में डिकेंस ने जब इसको लिखना शुरू किया था तो अपने एक दोस्त से कहा था कि यह वर्क मेरा बहुत ही पॉपुलर होगा। लेकिन आपको देखेंगे कि यह उनका बहुत पॉपुलर वर्क नहीं हुआ था, बल्कि यह लीस्ट पॉपुलर हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। द लेट 19th सेंचुरी इंग्लिश नावलिस्ट जॉर्ज गिसिंग रेड द नावल इन फेब्रुअरी 1888 फॉर रिफ्रेशमेंट, बट फेल्ट दैट इट शोड इट इनकॉम्प्रिहेंसिबल वीकनेस ऑफ स्टोरी। आपने ये देखा होगा कि इस नावल को किन्होंने पढ़ा हुआ था, एक बड़े नावलिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज गिसिंग, उन्होंने पढ़ा था। कब पढ़ा था, फेब्रुअरी 88 में पढ़ा था अपने आप को रिफ्रेशमेंट करने के लिए। लेकिन उन्होंने पाया कि यह जो इसकी जो स्टोरी है बड़ी वीक है, कमजोर है, उसमें दम नहीं है उसकी स्टोरी में। और ये जो नावेल है किस पर आधारित है, दिस इज बेस्ड ऑन हिज विजिट टू अमेरिका। यह नावेल उनकी उस विजिट पर आधारित है जब वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे 1842 ईस्वी में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मार्टिन चूजल विट उनके किस कंट्री की यात्रा पर आधारित है, तो अमेरिका की यात्रा पर। चूंकि अभी जब मैं आपको आगे अ टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ाऊंगा तो टेल ऑफ टू सिटीज में लंदन और पेरिस जैसे शहरों की बात की गई है, द सेम थिंग यू फाइंड हियर की मार्टिन चूजल विट। So what I want to say, what I want to tell you, you will come to know कि ये सारी की सारी चीजें आपको पिकरेस्क नावेल, अमेरिका की जर्नी को लेकर के, फिर उन्होंने कहा कि मैं जो लिख रहा हूँ यह जो है बहुत पॉपुलर होगा लेकिन वह लीस्ट पॉपुलर हुआ। उसके बाद जो है एक नावलिस्ट जिनका नाम जॉर्ज गिसिंग है, जिन्होंने इस नावेल को पढ़ा था, तब उन्होंने ये देखा कि अपने आप को उन्होंने रिफ्रेशमेंट करने के लिए पढ़ा, लेकिन उन्होंने पाया ये स्टोरी बहुत कमजोर है। नेक्स्ट नावेल उनका है क्रिसमस कैरोल, 1843 में क्रिसमस बुक यह है। और यह जो है द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्रिसमस बुक, यह एक तरह का पहला सीरीज है क्रिसमस बुक का। सो यू विल कम टू नो, यह एक अदर पॉइंट है। उसके अलावा कुछ और भी चीजें आप देखेंगे, और भी उनके वर्क है, द चाइम्स है, द क्रिकेट ऑन द हार्ट है, द बैटल ऑफ लाइफ है, द हॉन्टेड माइन। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको नाम ध्यान में रखना है। क्रिसमस कैरोल 1843 में आया है, जो एक क्रिसमस बुक है उसको लेकर के उन्होंने। डॉम्बी एंड सन 1846 में आया है, डीलिंग विद द फर्म ऑफ डॉम्बी एंड सन, जिसमें डॉम्बी और सन को लेकर के बात की गई। डॉम्बी एंड सन उनका एक वर्क है, जो डॉम्बी और सन में क्या किया गया, दो डॉम्बी और सन को लेकर के बात की गई। ये बहुत पॉपुलर नहीं, बट यू हैव ओनली टू हियर द नेम। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है वो डेविड कॉपरफील्ड है, उस पर हम लोगों को ज्यादा बात करनी है। आपको इसके पहले जो मैंने बताया था ओलिवर ट्विस्ट को लेकर के मैंने बताया था, वो आपको ध्यान में रखना है। एक कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया था नेल करके, जो कैरेक्टर थी ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप, उसको आपको बहुत डिटेल में ध्यान में रखना है। ओलिवर ट्विस्ट, ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप और डेविड कॉपरफील्ड, ये चीजें। बाकी मार्टिन चूजल विट और जो उनके वर्क है वो सब अपनी जगह ठीक है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर इट।
डेविड कॉपरफील्ड 1849 में शुरू होती है, यह इनका मास्टरपीस है। डिकेंस ने कहा, ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस बेस्ट एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ फेवरेट। डिकेंस ने कहा कि मैं सारी किताबों में ये मेरी सबसे बेहतरीन बुक है और मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा कई बार पूछा जा चुका है कि डिकेंस ने ये बात अपने किस नावल के बारे में कही है, डेविड कॉपरफील्ड के बारे में। डिकेंस ने ये बात किस नावल के बारे में कही थी कि यह मेरी सबसे पॉपुलर नावल होगी, लेकिन वह सबसे लीस्ट पॉपुलर हुई है, मार्टिन चूजल वीट के बारे में। मार्टिन चूजल वीट जो है किस कंट्री की यात्रा पर आधारित है, अमेरिका की यात्रा पर आधारित है, जब वो अमेरिका गए हुए थे। मार्टिन चूजल वीट कैसा एग्जाम्पल है, मार्टिन चूजल वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिकरेस्क नावल। पिकरेस्क नावल क्या होता है, पिकरेस्क नावल अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ द नावल है। यह स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया हुआ है, जिसमें एक पार्टिकुलर कैरेक्टर जो है, जो कि आप कह सकते हैं कि वैगाबॉन्ड है, नेब है, रास्कल है, उसको लेकर के जो है क्या किया जाता है, बातें की जाती हैं या बताई जाती हैं। तो यू विल कम टू नो कि वो चीज रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू कि वेन यू गो विद दीज थिंग्स, स्पेशली दीज नॉवेल्स, व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। अदर थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर कि और भी उनका क्रिसमस कैरोल ऑल दिस थिंग, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट, वी हैव टू टॉक अबाउट डेविड कॉपरफील्ड, जो उन्होंने कहा यह मेरी सबसे फेवरेट है और सबसे बेस्ट है। 1849 में स्टार्ट है। नाउ किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम इस स्लाइड में, मैं आगे चलूं? ये इनका मास्टरपीस है, उन्होंने कहा यह मेरी सबसे फेवरेट किताब रही है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि इट इज इन सम ऑफ इट्स डिटेल्स डिकेंस वेल्ड ऑटोबायोग्राफी। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह जो है डिकेंस का ऑटोबायोग्राफी रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नावेल में डिकेंस की जिंदगी की झलक मिलती है, तो वह डेविड कॉपरफील्ड है। डेविड जो कैरेक्टर है वो खुद जो है कौन है, वो खुद आपके चार्ल्स डिकेंस है। उसकी समरी के बारे में बता रहे हैं कि डेविड कॉपरफील्ड इज बॉर्न एट ब्लंडर स्टोन। डेविड कॉपरफील्ड कहाँ पे पैदा हुए हैं, किस जगह पे, ब्लंडर स्टोन, ऑफ विच द ओरिजिनल इज द विलेज ऑफ ब्लंडेस्टन। कह रहे हैं कि जो कि क्या है, एक गांव है कहाँ का, ओरिजिनल इज द विलेज ऑफ ब्लंडेस्टन, जो कि ब्लंडेस्टन गांव को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ओरिजिनल नाम जो है उस गांव का क्या है, ब्लंडेस्टन है, लेकिन उस गांव को जो वह ओरिजिनल जो गांव है ब्लंडस्टोन, उस गांव को क्या किया गया, ब्लंडेस्टन में। फिर उसके बाद कह रहे हैं, इन सफॉल्क सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके फादर की मौत हो जाती है, हिज मदर अ जेंटिल वीक वुमन मैरीज अगेन। फादर की मौत के बाद उनकी जो मदर है, जो जेंटिल है, वीक वुमन है, मैरीज अगेन, दोबारा शादी कर लेती है, एंड हर सेकेंड हस्बैंड मिस्टर मर्ड स्टोन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मिस्टर मर्ड स्टोन है या क्या है, ही इज द स्टेप फादर, वह एक जो है स्टेप फादर हुए। किसके स्टेप फादर होंगे, मिस्टर या डेविड कॉपरफील्ड के स्टेप फादर होंगे। अगर यह डेविड कॉपरफील्ड के स्टेप फादर हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सिंपल सा इसका मतलब यही हुआ कि इफ ही इज अ स्टेप फादर, तो डेविड जो है क्या है कि एक तरह से उनके स्टेप सन हुए। अब ऐसी कंडीशन में देखिएगा कि मिस्टर मर्डिस्टोन किसके सिंबल है, बाई क्रुएल्टी डिस्गाइज्ड एज फर्मनेस एंड एबिटेड बाई मिस मर्ड स्टोन हिज सिस्टर। ध्यान में रखिएगा, उनकी एक सिस्टर है जिसका क्या नाम है, मिस मर्ड स्टोन, ड्राइव्स हर टू एन अर्ली ग्रेव। रिमेम्बर दैट कि आप इस चीज को देखेंगे कि डेविड का जैसे ही जन्म होता है, फादर की मौत हो जाती है और उनकी माँ जो है दूसरी शादी कर लेती है। किससे शादी करती है, मिस्टर मर्ड स्टोन से, जो एक तरह से बहुत अच्छे नहीं है, नेचर उनका बहुत अच्छा नहीं है। और जिक्र किसका किया गया है, जिक्र और भी किया गया है किसका,
मिस मर्ड स्टोन का भी जिक्र है। आगे आप ये देखेंगे कि जो यंग कापर फील्ड है हु हैज प्रूव्ड रिकॉल्सिट्रेंट इज सेंट टू स्कूल, दोबारा फिर वही स्कूल की बात आती है। उनके हर नावल में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो जो है चाइल्डहुड साइकोलॉजी और दूसरा एजुकेशन सिस्टम उस समय का, एक कॉमन पॉइंट है जो उन्होंने बात किया हुआ है। उसको उसको भी स्कूल भेजा जाता है वेयर ही इज बलीड बाई द टायरेनिकल हेडमास्टर, जहां पे वहां के जो हेडमास्टर है जिनका नाम क्या है क्रीकल, वो जो है क्या है टायरेनिकल, टायरेनिकल थोड़ा सा अत्याचारी टाइप का मतलब ऐसा वर्ड यूज होता है जो कि बहुत अच्छे नहीं, क्रूवेल नेचर के है। और हेडमास्टर का क्या नाम है क्रीकल, यू विल कम टू नो देर इज अ हेडमास्टर क्रीकल, क्रीकल उसको जो है सताते हैं। बट मेक्स टू फ्रेंड्स इन द ब्रिलियंट एंड फैसिनेटिंग स्टीयर फोर्थ एंड द गुड ह्यूमर प्लॉडिंग ट्रेडल, वहां पे डेविड कॉपरफील्ड के दो दोस्त बनते हैं, वो कौन है स्टीयर फोर्थ और ट्रेडल। हेंस ही इज सेंट टू मीनियल एम्प्लॉयमेंट इन लंडन वेयर ही लिव्स अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी। ये कॉमन सी बात है कि मिजरी पॉवर्टी ये सब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज जब भी डिकेंस एज अ नॉवलिस्ट आप डिस्कस करेंगे या मेंस में जब आप अपीयर होंगे तो ये वर्ड वहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम चाइल्डहुड साइकोलॉजी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड पिक पॉकेटिंग गैंग वार, ये सब जितना इसके पहले भी देखे वो सब चीजें यहाँ पर भी है। तो जैसे ही डेविड की का जन्म होता है फादर की मौत हो जाती है, माँ जो है क्या है दूसरी शादी कर लेती हैं, और डेविड का जन्म कहाँ पे हुआ है एक गांव में जिसका नाम क्या है ब्लंडर स्टोन, और ओरिजिनली उस गांव का नाम क्या है ब्लंडेस्टान नाम है। यू विल कम टू नो कि जब उसकी माँ जो है दूसरी शादी करती हैं तो जिस आदमी से करती है उसका नाम मर्ड स्टोन है, वह थोड़ा सा अच्छे नहीं है क्रूवेल टाइप के हैं, उनकी सिस्टर भी वैसी ही नेचर को लेकर के हैं। यंग डेविड को क्या किया जाता है कहाँ पे भेजा जाता है स्कूल भेजा जाता है, वहां का जो हेडमास्टर क्रीकल है उसका नेचर अच्छा नहीं, वह भी हो तो एजुकेशन सिस्टम पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट लंदन का सेटिंग ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड वेयर ही लिव्स अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी इनलाइवन बाय हिज एक्वाइंटेंस विद द मर्क्यूरियल एंड इम्पिकिनस मिस्टर माइकाइबर एंड हिज फैमिली। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एक कैरेक्टर है मिस्टर माइकाइबर एंड हिज फैमिली, ये लंदन का सीन, दिस इज अ कैरेक्टर मिस्टर माइकाइबर, ही रन्स अवे एंड वॉक्स पेनीलेस टू डॉवर, कहाँ चले जाते हैं डॉवर जाते हैं टू थ्रो हिमसेल्फ ऑन द मर्सी ऑफ हिज आंट बेस्टी ट्रॉट वुड, और वो जो है कहाँ पे जाते हैं जाते हैं और उनकी एक आंट है बेस्टी ट्रॉट वुड वहां पे अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन बेस्टी ट्रॉटवुड क्या है इसेंट्रिक ओल्ड लेडी है हु बिकॉज कंट्रेरी टू हर फर्म एक्सपेक्टेशन ही हैड बीन बॉर्न अ बॉय इंस्टेड ऑफ अ गर्ल, ही इज काइंडली रिसीव्ड एंड गिवेन अ न्यू होम विच ही शेयर्स विद एन एमिएबल ल्यूनेटिक मिस्टर डिक। व्हाट आई वांट टू टेल यू, आपको कुछ नाम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला नाम की जो है एक ल्यूनेटिक है जिसका क्या नाम है मिस्टर डिक है, दूसरा चीज जो है एक आंट के पास हो जाते हैं, वह आंट भी क्या है क्रूवेल है, उसका क्या नाम है बेट्सी ट्रॉटवुड है। अभी मुझे जो है करने दीजिए फिर मैं पूरा आपको दोबारा इसको जो है एक्सप्लेन करूंगा। दिस पुअर जेंटलमैन इज परपेचुअली एंगेज्ड ऑन अ मेमोरियल रिगार्डिंग हिज अफेयर बट इज अनेबल टू कंप्लीट इट ओविंग टू द इनविटेबल इंट्रूजन इन टू इट ऑफ किंग चार्ल्स हेड, कॉपरफील्ड कंटिन्यूज हिज एजुकेशन एट कैंटरबरी लिविंग इन द हाउस ऑफ मिस ट्रॉटवुड्स लायर मिस्टर वेकफील्ड हुज हाई माइंडेड डिस्पोजिशन एक्सरसाइजेज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ,
ही देन इंटर्स डॉक्टर्स कॉमन बींग आर्टिकल टू मिस्टर स्पेनलो ऑफ द फॉर्म ऑफ स्पेनलो एंड जर्किन मीन वाइल ही हैज कम अगेन इन टू टच विद स्टीयर फोर्थ होम इग्नोरेंट ऑफ इज ट्रू कैरेक्टर. वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, एक तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा. कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पहले नोट करिए. सबसे पहला पॉइंट कि डेविड कॉपरफील्ड वॉज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड ब्लंडर स्टोन. देन यू विल कम टू नो टू अंडरस्टैंड. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्टर मर्ड स्टोन इज हिज स्टेप फादर. तीसरा पॉइंट, मिस मर्ड स्टोन इज द सिस्टर ऑफ मिस्टर मर्ड स्टोन. नेक्स्ट पॉइंट, क्रीकल CREAKL क्रीकल इज द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल. क्रीकल इज द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल वेयर डेविड वॉज सेंट टू गेट एजुकेशन. CREAKL क्रीकल. उसके बाद लिखिएगा स्टीयर फोर्थ एंड ट्रेडल्स आर द टू फ्रेंड्स ऑफ डेविड. स्टीयर फोर्थ एंड ट्रेडल TRADDLE. नेक्स्ट पॉइंट, द नॉवेल हैज इट्स सेटिंग इन लंडन. द नॉवेल हैज इट्स सेटिंग इन लंडन. नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर मैकाइबर MICAWBER मिस्टर मैकाइबर इज अनदर कैरेक्टर इन द नॉवेल. In the novel, who helps David directly or indirectly.
नेक्स्ट पॉइंट, बेट्सी ट्रॉटवुड इज एन इसेंट्रिक लेडी। रिमेंबर दैट कि बेट्सी ट्रॉटवुड क्या है, बेट्सी ट्रॉटवुड इज एन इसेंट्रिक ओल्ड लेडी। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर डिक इज अ ल्यूनेटिक। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, एग्निस, AGNES, एग्निस एग्निस अ गर्ल कम्स इन द लाइफ ऑफ डेविड। एग्निस, AGNES, एग्नेस अ गर्ल कम्स इन द लाइफ ऑफ डेविड। नाउ जितना आपने लिखा उतना लिखे रहिएगा, अब उसके आगे की स्लाइड को आप समझिए, फिर मैं उसको एक तरह से लिंकिंग करूंगा कि कैसे क्या है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया, इनटू टच विद स्टीयर फोर्थ हुम इग्नोरेंट ऑफ हिज ट्रू कैरेक्टर ही इंट्रोड्यूस टू द फैमिली ऑफ हिज ओल्ड नर्स क्लारा पिगोटी मैरिड टू बार्किस द कारियर। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ मिस्टर पिगोटी अ यारमाउथ फिशरमैन, हिज निफ्यू हैम एंड द लेटेस्ट कजिन लिटिल इमाइली, अ प्रेटी सिंपल गर्ल हुम हैम इज अबाउट टू मैरी। द रिमेनिंग इनमेट ऑफ मिस्टर पिगोटीज हॉस्पिटल होम, मिस्टर पिगोटीज हॉस्पिटल होम इज मिसेज गमिज एंड अदर डिपेंडेंट एंड अ विडो। एक एक नाम भी आके आप लिख लीजिएगा, मिसेज गमिज इज अ विडो। मिसेस गमिज एंड अदर डिपेंडेंट एंड अ विडो हुज पीविश लैमेंट्स फॉर हर फॉरलॉर्न कंडीशन आर पेशेंटली बॉर्न बाय मिस्टर पिगोटी स्टीयरफोर्थ इंड्यूस इमाइली टू रन अवे विद हिम देयर बाय प्रोड्यूसिंग इंटेंस मिजरी इन द पिगोटी हाउस होल्ड। मिस्टर पिगोटी सेट्स आउट टू फाइंड हर, फॉलोइंग हर थ्रू मेनी कंट्रीज एंड फाइनली recovering her after she has been cast off by Steerforth. The latter's crime also brings unhappiness to his mother and to her protege Rosa Dartle, who has long loved Steerforth with all the suppressed violence of a passionate nature. The tragedy finds its culmination in the shipwreck and drowning of Steerforth and death of Ham in trying to save him. Meanwhile, Copperfield blind to the affection of Agnes Wakefield. मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही लिखवाया था कि एग्नेस कम्स इन द लाइफ ऑफ डेविड, आपको याद होगा इसके अभी पहले ही लिखवाए थे। वो बात यहाँ पर अब लिंक हो रही है कि Copperfield blind to the affection of Agnes Wakefield
मैरीज डोरास स्पिनिलो, ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, एग्नेस विकफील्ड मैरीज डोरा स्पिनिलो। उसके बाद आपको लिखना है कि डोरा बिकम्स अ फेमस ऑथर। देन यू विल कम टू नो कि डोरा डाइज आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ एंड कॉपरफील्ड एट फर्स्ट डिस कॉन्सुलेट अवेकेंस टू अ ग्रोइंग एप्रिसिएशन एंड लव फॉर एग्नेस। क्योंकि डोरा के जाने के बाद फिर एग्नेस जो है किसके करीब आ रही है, कॉपरफील्ड के। हर फादर हैज फॉलन इनटू द टॉयल्स ऑफ अ विलनस एंड कनिंग क्लर्क यूरिया हीप। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूरिया हीप इज अ क्लर्क, इसको लिखिएगा, यूरिया हीप इज अ क्लर्क। यूरिया हीप हु अंडर द क्लोक ऑफ अ फाइनिंग ह्यूमिलिटी हैज ऑब्टेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिम, रिड्यूस्ड हिम टू द वर्ज ऑफ इम्बिसिलिटी एंड नियरली रूइंड हिम। यूरिया आल्सो एस्पायर्स टू मैरी एग्नेस। यूरिया आल्सो एस्पायर्स टू मैरी एग्नेस। अभी इसके पहले एग्नेस की शादी डोरा, एग्नेस इज इन लव विद डेविड, बट यूरिया आल्सो एस्पायर्स टू मैरी एग्नेस। ये चीज, ये तीनों चीजें ध्यान में रखना है। बट हिज मिस डीड्स विच इंक्लूड फॉर्जरी फॉर्जरी एंड थेफ्ट आर एक्सपोज्ड बाई मैकाइबर इम्प्लाइड एज हिज क्लार्क विद द असिस्टेंस ऑफ ट्राइबल्स नाउ अ बैरिस्टर। यूरिया इज लास्ट सीन इन प्रिजन अंडर अ लाइफ सेंटेंस। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट की ट्रेडल इज अ बैरिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि यूरिया इज लास्ट सीन इन प्रिजन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि यूरिया इज लास्ट सीन इन प्रिजन अंडर अ लाइफ सेंटेंस, कॉपर फील्ड मैरिड एग्नेस। एक हैप्पी एंडिंग दिखाया जा रहा है कि डेविड कॉपर फील्ड की शादी एग्नेस से होती है, मिस्टर पिगोटी विद इमाइली, और मिस्टर पिगोटी की शादी किसके साथ होती है, इमाइली से। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आप चाहे लिख लीजिए चाहे, क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड में इतने कैरेक्टर हैं कि आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इसीलिए मैं बहुत रुक करके जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखना है उस चीज को मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ कि यहाँ यहाँ से ये क्वेश्चन है या ये चीजें पूछी जाती हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि यू हैव टू रिमेम्बर कि मिस्टर पिगोटी मैरिज विद हुम, इमाइली। जो कैरेक्टर मिसेज गमिज है इज फाउंड प्रॉस्पिरिंग इन ऑस्ट्रेलिया, उसकी स्थिति बेहतर होती है, वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, वेयर मिस्टर मैकाइबर रिलीव्ड ऑन हिज डेब्ट्स, और जबकि मिस्टर मैकाइबर जो है क्या होते हैं, और तमाम जो कर्ज वगैरह है उससे उनको मुक्ति मिलती है। अपीयर्स फाइनली एज अ मच इस्टीम्ड कोलोनियल मजिस्ट्रेट। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आपने नावेल पढ़ा तो उस पूरे नावेल में आपने देखा होगा कि दो इंपॉर्टेंट चीजें नजर आई है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेविड कॉपरफील्ड है, और उसी डेविड कॉपरफील्ड से लिंक करके सारे के सारे कैरेक्टर आए हुए हैं। दूसरा चीज नावेल की खासियत क्या है, दूसरा चीज नावेल की खासियत यह है
कि उस समय का जो सिस्टम है, खास करके जो एजुकेशन सिस्टम है, जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी है, और समाज का जो नजरिया है, जो समाज में एक क्रुएल्टी है कि एक बच्चे का लालन पालन किस विषम परिस्थिति में होता है, उसकी पूरी जर्नी को दिखाया गया है। तो एक तरह से डेविड कॉपरफील्ड इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल एंड इट्स अबाउट हुम, इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड हु प्रेजेंट्स हुम, हु प्रेजेंट्स चार्ल्स डिकेंस हिमसेल्फ। जो चार्ल्स डिकेंस की आवाज है, चार्ल्स डिकेंस की लाइफ जो उन्होंने, डिकेंस ने गुजारी है, उसी जिंदगी को उन्होंने डेविड के माध्यम से प्रेजेंट किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि डेविड के साथ होता क्या है। डेविड इज एन ऑर्फन बॉय, अगर मैं कहूं कि जैसे ही जन्म लेते हैं फादर की मौत हो जाती, माँ दूसरी शादी कर लेती है, मर्ड स्टोन जो है उनके दूसरे फादर हैं। तो मर्ड स्टोन का जो नेचर है उसको आपने देखा, मर्ड स्टोन की जो सिस्टर है मिस मर्ड स्टोन, उनका आपने नेचर देखा। डेविड को जब एजुकेशन के लिए भेजा जाता है तो वहां के जो प्रिंसिपल है उनका आपने नेचर देखा। इसके अलावा डेविड की लाइफ में जितने लोग आते हैं, दो तरह के लोग आते हैं, कुछ अच्छे लोग आते हैं और कुछ बुरे लोग आते हैं। उनमें से कुछ उनको हेल्प करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कुछ ऐसे रहते हैं जो हेल्प तो नहीं करते लेकिन जो है उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच से एक कैरेक्टर है जिसका नाम एग्नेस है, जो डेविड को बहुत अपील करती है और वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। लेकिन उस एग्नेस की लाइफ में तमाम दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं। उन दुश्वारियों और परेशानियों में एक चीज आती है कि उसकी शादी डोरा से होती है, डोरा एक पॉपुलर राइटर बन जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद आप देखेंगे डोरा का और डेविड की नजदीकियां, सॉरी डोरा नहीं, डेविड और एग्नेस की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। नावेल में तमाम और तरह के कैरेक्टर हैं, तमाम तरह के कैरेक्टर जिसको मैंने एक लाइन में आपको लिखवाया या बताने की कोशिश की है। उधर अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं कि उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन एक चीज जरूर पूछा गया कि मिस्टर मैकाइबर जो कैरेक्टर है ये किस नावेल का, ऐसे से कॉमन सी क्वेश्चन, मिस्टर मैकाइबर नावेल का जो कैरेक्टर है डेविड के किस नावेल, डिकेंस के किस नावेल में है, डेविड कॉपरफील्ड में। पिगोटी जो कैरेक्टर है किसमें है। तो जो मैंने बताया कि आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, उन सारी चीजों को आपको एक एक लाइन में करके कि वो क्या है, वो कैसे है, उनका नेचर। जैसे एक आपको मैंने मैड पीपल के बारे में बताया, एक लेडी कैरेक्टर जो इसेंट्रिक है उसको लेकर के बताया। तो वन लाइन में जितनी भी चीजों को आपने किया हुआ है वो सारी चीजें आप उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो चीजें डेविड को आपको समझने में आसानी होगी उससे जो है। बाकी ये पूरे कैरेक्टर्स रहे हैं और ये सिचुएशन रही है जहां पर आपको बताया गया कि पूरा का पूरा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ एक ट्रेजिक लाइफ जो एक ऑर्फन बॉय ने व्यतीत किया है, जो खुद डेविड थे, जिनकी फादर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मदर मैरिड सेकेंड टाइम एंड इसके फादर वॉज वेरी क्रूअल, ही डज नॉट हैव एनी हेल्पिंग नेचर, उस पूरी जर्नी को लेके बताया गया। हाँ, एक चीज मैं जरूर करूंगा कि मैं लाइव आकर के इस पर एक लेक्चर दूंगा तो आपको और भी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इतनी सारी चीजों को आपको इससे रिलेटेड समझना या इससे रिलेटेड करना है। नाउ जस्ट आई वॉन्ट टू नो वट इज द टाइम। ओके 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 नाउ द नेक्स्ट इज ब्लीक हाउस एंड यू गेट इट 1852। जो ब्लीक हाउस है उसमें आप देखते हैं कि द बुक कंटेन्स अ विग्रस सटायर ऑन द एब्यूजेस ऑफ द ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी। यहां से आपको अंडरलाइन करना है, वो क्या चीज अंडरलाइन करना है, द बुक कंटेन्स अ विग्रस सटायर, यह एक सेटिरिकल फॉर्म में है, ऑन द एब्यूजेस ऑफ द ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी। चांसरी का कोई ओल्ड कोर्ट है उसके ऊपर यह एक सटायर है। डिलेज एंड कास्ट्स ऑफ विच ब्रॉट माइजरी एंड रून ऑफ इट्स स्पीटर्स, फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ 20 एपिसोड्स सीरियल बिटवीन मार्च 1852 एंड 1853। ये 20 एपिसोड में आया हुआ है और कब पहली बार पब्लिश हुआ, 1812 से लेकर 1853 ईस्वी के बीच में।
तो रिमेम्बर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हुम, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लीक हाउस, एंड दिस ब्लीक हाउस अल्टीमेटली इट केम इन 1852। और इस ब्लीक हाउस में किसके बारे में बात की गई है, यह एक सटायर है, किसके ऊपर सटायर है, ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसेरी को लेकर के, इट्स अ सटायर ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसेरी को लेकर के, जहां पे चीजें डिलेज हो रही हैं, कास्ट वगैरह क्या क्या मिजरीज है, और मुकदमेबाजी में लोग कितना परेशान, इस चीज को लेकर के वहां पे दिखाया गया। कितने एपिसोड में पब्लिश हुआ, 20 एपिसोड में। कब आता है, 1852 ईस्वी में। समरी में आप देखते हैं कि द टेल सेंटर्स इन द फॉर्च्यून्स ऑफ एन अनइंटरेस्टिंग कपल रिचर्ड कार स्टोन, किसको लेके, रिचर्ड कार स्टोन, अ फ्यूटाइल यूथ एंड हिज एमिएबल कजिन अडा क्लेयर, ये चीज पूछा जा चुका है, अडा क्लेयर। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट, कि कौन सा पॉइंट आप जो देख रहे हैं, यू आर गेटिंग द पॉइंट कि एक जो नावेल है, या नावेल किसके बारे में बात करती है, एक अनइंटरेस्टिंग कपल, यू कैन नोट डाउन द नावेल टॉक्स अबाउट एन अनइंटरेस्टिंग कपल, और वो दोनों कपल कौन कौन से हैं, रिचर्ड कारस्टोन, अ फ्यूटाइल यूथ एंड हिज एमिएबल कजिन एडा क्लेयर। दे आर वार्ड्स ऑफ द कोर्ट इन द केस ऑफ जार्नडाइस एंड जार्नडाइस कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन स्टेट, वे दोनों एक आदमी के केस को डील कर रहे हैं, उसका क्या नाम है, जॉन डाइस। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, देर इज अनदर कैरेक्टर जॉन डाइस, सो दिस थिंग यू फाइंड हु हैज गॉन ऑन सो लॉन्ग टू बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ हार्टलेस जोकिंग एज वेल एज अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्रॉफिट टू दोज प्रोफेशनली इंगेज इन इट, द वार्ड्स आर टेकन टू लिव विद योर काइंड इल्डरली रिलेटिव जॉन जार्डाइस, दे फॉल इन लव एंड सीक्रेटली मैरी, द वार्ड्स आर टेकन टू लिव विद देयर काइंड इल्डरली रिलेटिव जॉन जार्डाइस, दे फॉल इन लव एंड सीक्रेटली मैरी द वीक रिचर्ड, इनकैपेबल ऑफ स्टिकिंग टू माई प्रोफेशन एंड लिव्ड बाई द वेल ऑफ द विस्प ऑफ द फॉर्च्यून दैट इज टू बी वेन द केस इज सेटल्ड सिंक्स ग्रेजुअली टू रून एंड डेथ, एंड द केस ऑफ जॉन्डाइस एंड जॉन्डाइस कम्स सडनली टू एन एंड ऑन द डिस्कवरी दैट द कॉस्ट हैज एब्जॉर्ब द होल स्टेट इन डिस्प्यूट वेन एडा गोज टू लिव विद जॉन एडा क्लेयर। रिमेंबर दैट, एक और चीज है यहां पर, यू हैव टू राइट डाउन कि एडा गोज टू लिव विद जॉन जॉन डाइस, शी इज एकम्पनीड बाई एस्थर समरसन, अ सपोज्ड ऑर्फन, एस्थर समरसन इज एन ऑर्फन, वन ऑफ डिकेंस सेंट्स, एंड द नैरेटिव इज पार्टली सपोज टू बी फॉर हर पेन, सर लेसेस्टर डेडलॉक अ पॉम्पस ओल्ड बैरोनेट इज डिवोटली अटैच टू हिज ब्यूटीफुल वाइफ, लेडी डेडलॉक हाइड्स अ ड्रेडफुल सीक्रेट अंडर हर हाथी एंड इन डिफरेंट एक्सटीरियर, बिफोर हर मैरिज शी हैज लव्ड अ सर्टेन कैप्टन हार्वुड एंड हैज बिकम द मदर ऑफ अ डॉटर हुम शी बिलीव्स डेड, हॉर्डन इज सपोज टू हैव पेरिश्ड एट सी, राइट डाउन दिस पॉइंट, हॉर्डन इज सपोज्ड टू हैव पेरिश्ड एट सी। आप इतने पॉइंट को लिखे रहिएगा, वी विल डिस्कस इन द इवनिंग दैट इज ब्लीक हाउस, क्योंकि ये चीजें लैक ऑफ टाइम अभी हो नहीं पाएगा।